प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर बढ़ता जा रहा है और लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस प्रत्याशियों को चुनकर सरकार को आईना दिखाया जाए। ये बात जिला कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में और केंद्र में जो सरकारें हैं वे राष्ट्रीय संपत्तियों को अपने चहेतों को बेच रही हैं, जिससे जाहिर होता है कि इस सरकार की मंशा क्या है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की जनता को ये ज्ञात हो चुका है कि अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को लाना होगा। उन्होंने कहा कि इस सरकार की मंशा यही है कि देश की अर्थव्यवस्था को चंद पूंजीपतियों के हाथ में सौंपकर देश को बर्बाद कर दिया जाए, लेकिन देश की जनता इनके इरादों को भांप गई है। उन्होंने कहा कि फतेहपुर विधानसभा में भी लोगों का कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन मिल रहा है, जबकि भाजपा प्रत्याशी इस दौड़ में पिछड़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फतेहपुर में कांग्रेस की ही जीत सुनिश्चित है। तीन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव और एक संसदीय क्षेत्र मंडी में उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें दिन प्रतिदिन लोगों का जो रुझान है वो कांग्रेस के प्रति बढ़ता गया और अब 30 तारीख को लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनको भारी मतों से जिताना है। ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके मनोबल को देखते हुए भी पता चल रहा है और कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनको देखते हुए लोगों ने ये पूर्णतः मन बना लिया है कि एक कांग्रेस ही है जो इस समय देश को बचा सकती है, क्योंकि मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है इनकी नीतियां देश की राष्ट्रीय संपत्ति जो है उनको लोगों में जो अपने चहेते हैं उनको बेचने का जो इनका प्रयास है उससे जाहिर हो चुका है इनकी मंशा क्या है। इनकी मंशा यही है कि हिंदुस्तान की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको चंद एक अपने चहेतों के हाथों में देकर जो है वो उसको बर्बाद करना है, जो कि लोगों ने अब इनका जो असल इनका जो उद्देश्य है उसको भांप लिया है और उसको देखते हुए पूर्णतः मन बना लिया है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों को ही जिताना है। मैं फतेहपुर की बात कर रहा हूँ। फतेहपुर में जो हम गए थे वहाँ हमने जो लोगों का प्यार देखा, लोगों का रुझान देखा, वो वहाँ के युवा उम्मीदवार भवानी सिंह पठानिया की तरफ पूर्णतः बढ़ता गया और जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वो पिछड़ते नजर आए। मैं कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनके आधार पर ये बोलने जा रहा हूं कि पूर्णतः कांग्रेस जो है वो जीत की तरफ जा रही है।